हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गूगल सीट की मैक्रोज की। जी हाँ, एक्सेल से आगे बढ़ चुके हैं, आ गए हैं गूगल सीट के मैक्रोज के ऊपर। तो अब हम जानते हैं कि मैक्रोज कैसे अप्लाई किया जाता है। सिंपल सी बात, तो आपके सामने टूल्स के बगल में एक्सटेंशन होता है गूगल सीट में। इसमें एड ऑन, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में एड ऑन के बारे में सिखाई थी, अब बारी आती है मैक्रोज। मैक्रोज में यहाँ रिकॉर्ड मैक्रोज का ऑप्शन है, मैनेज मैक्रो रिकॉर्ड और टेस्ट है। ये चीज तब आएगी जब कोई मैक्रो आप बना लेते हैं। फिलहाल हम रिकॉर्ड मैक्रो की बात करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो कब यूज होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेप है जिसको आपको बार बार करना हो, उसको हम रिकॉर्ड मैक्रो के रूप में करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो लिया, मैक्रो रिकॉर्ड शुरू है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू है। हमने क्या किया कि हमने H1 में क्वांटिटी को लिखा, H2 में MRP को लिखा। यहाँ पे हमने 50 लिखा, यहाँ पे 60 लिखा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव, यहाँ पे हम Micro 2 के नाम से सेव कर देते हैं। Micro 2 के नाम से सेव हो गया, सेविंग माइक्रो सेव हो गया। कल के डेट में मुझे सेम चीज करना हो तो क्या होगा? मुझे यहाँ एक्सटेंशन में जाना है और जस्ट M2 को रन कर देना है। माइक्रोज में जाकर रन करते सेम चीज यहां पे आ गई। लेकिन अगर ये सेम दूसरे सीट पे करना हो तो क्या दूसरे सीट पे भी वर्क करेगा? तो यहां भी हम सेम तरीके से आते हैं M2। आ गया फ्लिश स्क्रिप्ट। तो इसी चीज का यूज हम करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के अंदर, कि माइक्रो का रिकॉर्ड कर ले अपने हिसाब से। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, हम यहाँ पे डिलीट एक कॉलम कर देते हैं। मेरे पास डेटा है, मुझे इस डेटा को फिल्टर करना होता है, मुझे इस डेटा को फिल्टर करना होता है। फिल्टर करके डेटा को कॉपी करना होता है न्यू शीट पे। अब इसी चीज की माइक्रो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्सटेंशन में गए, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो। अब यहाँ पे हम फिल्टर लगा रहे हैं, यहाँ इंसर्ट, यानी सर डेटा में होता है फिल्टर, क्रिएट फिल्टर। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट को लेते हैं, यहाँ पे क्लियर करके हम सिर्फ यहाँ पे HD को लेके ओके करते हैं। HD का डेटा आ गया। अब डेटा को कंट्रोल शिफ्ट यहाँ डाउन में कॉपी करते हैं और एक नई सीट ऐड करते हैं, और इसमें इसको हम पेस्ट करते हैं, और सीट का नाम हम कर देते हैं HD। और फिर यहाँ माइक्रो को हम सेव कर देते हैं और इसका नाम हम M_3 करते हैं एंड सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे सारा प्रोसीजर सेव हो रहा है। अब यहाँ पे सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्सेल की तरह नहीं है कि बस तुरंत सेव हो जाता है, यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। अब मैं HD को यहाँ से डिलीट करता हूँ और C1 पे आता हूँ। C1 में यहां से फिल्टर हम क्लियर कर देते हैं, या फिर यहाँ टूल्स में भी आपके सामने, इसमें डेटा में आपके पास सामने होता है, रिमूव फिल्टर। अब हम वापस एक्सटेंशन में आते हैं और अपना M2 को M3 को रन करते हैं। अपने आप काम हो रहा है, कॉपी हो रहा है, एक नया सीट हुआ, पेस्ट HD के नाम से कॉपी होके एक नई सीट पे पेस्ट हो गया। लेकिन एक हर बार ये HD को ही रखेगा। तो गूगल स्क्रिप्ट में क्या हम चेंज कर सकते हैं? मतलब कि मान लीजिए कल के डेट में HD नहीं मुझे चाहिए, कुछ और चाहिए, तो यहाँ हम एक्सटेंशन में मैक्रोज में जाते हैं। यहाँ पे मैनेज मैक्रोज आपको आता है, और मैनेज मैक्रो में M3 है। तो M3 में एक तो यहाँ शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हैं कि आप क्या जो शॉर्टकट डिफाइन करना चाहते हो शॉर्टकट डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आता है एडिट स्क्रिप्ट। एडिट स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो जैसे एक्सेल में VV मैक्रो खुलता आता है, उसी तरह से यहाँ आपको स्क्रिप्ट खुल के आता है। जी हाँ, यहाँ आपको क्या खुल के आता है? स्क्रिप्ट खुल के आता है। तो यहाँ पे देखिए सारे माइक्रो, M टेस्ट है, M2 है, ये हमारा M3 का माइक्रो है। अब इसमें जो हमने इसमें भी आपको अपने हिसाब से जो चाहिए वो डाल देता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लेना है। ये आपके सारे कोडिंग है, अपनी कोडिंग को आप आराम से यहाँ पे ले सकते हैं, सीख सकते हैं।
अब यहाँ पे सीट नेम एचडी है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू फिल्टर क्राइटेरिया सेट हिडन वैल्यू, अब यहाँ पे हिडन वैल्यू जो हुआ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस ये तो ऑफिशियल लैंग्वेज है वीवीए की तरह, इसको अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अब यही चीज हमारी अगली वीडियोस की क्लासेस जो आएगी, हमारी ऐप स्क्रिप्ट की जो क्लासेस आएगी उसमें पढ़ाई जाएगी, और ये चीजें हमारी जो ऐप है उस ऐप के अंदर डाला जाएगा। ऐप आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एक्सेल एम आई ट्रेनिंग। जी हाँ, प्ले स्टोर पे जाइए, एक्सेल एम आई ट्रेनिंग इसमें आपको मिल जाएगा। इसके स्टोर में अगर आप जाइएगा तो स्टोर में हमारा पहला कोर्स मिलेगा गूगल सीट का। जी हाँ, गूगल सीट का। अब गूगल सीट के अंदर जब हम जाते हैं इसके कंटेंट में, तो ये लाइव क्लासेस की 59 वीडियोज, अब ये ऐड हो जाएगा तो 5010 वीडियोज हो जाएगी। इसमें अभी तक सारे लाइव क्लासेस की वीडियोज है एक्सेल की। अब इसमें जो अब ऐड होगा, अब ऐड होगा ऐप स्क्रिप्ट, मतलब इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होगी वो होगी ऐप स्क्रिप्ट की, जो कि हम यहाँ एक नया फोल्डर बना रहे हैं ऐप स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे लाइक वीवीए इन गूगल, अभी लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे हैं जो कि नहीं समझ पाएंगे, तो हमने लाइक वीवी इन गूगल सीट करी, क्योंकि एक्सेल और वीवी इस्तेमाल करते हैं, वीवीए माइक्रोज इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हमने माइक्रोज कर दिया। अब गूगल ऐप स्क्रिप्ट के जितने भी क्लासेज होगी अब इस फोल्डर के अंदर में आपको दिखे, अब इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकेंगे आगे की वीडियो। थैंक यू।